डेव बटिस्ता लगाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को पावर बॉम्ब, रोमन रेंस ने डाली मोटिवेशनल वीडियो, साथ ही साथ समर स्लैम के अंदर लौटने वाली है लेजेंडरी ट्रिश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस WWE में होने जा रही है ट्रिश स्टेटस की वापसी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इस घंटे की सबसे बड़ी खबर यही है कि ट्रिश हमें देखने को मिलेगी समर स्लैम PPV के अंदर, और वहां वो किसे फेस करेगी, वो फेस करेगी शार्लेट फ्लेयर को। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो बीती स्मैकडाउन लाइव के अंदर आपने देखा कि शार्लेट फ्लेयर ने एक प्रोमो काटा है। पर्टिकुलरली दोस्तों, उन्होंने बैकस्टेज जाकर ये प्रोमो काटा जहां उनसे सवाल पूछे गए थे, उनके प्लान्स पूछे गए थे। शार्लेट फ्लेयर ने क्या कहा कि वो काफी तंग आ चुकी है WWE वालों से और एम्बर मून से, और वो चाहती है कि उन्हें एक बेहतरीन मैच दिया जाए समर स्लैम PPV के अंदर, वो डिमांड करती है। और यहां उन्होंने क्या कहा कि उनकी ओपोनेंट एम्बर मून से कई ज्यादा बेहतर होगी। और यहां दोस्तों, शार्लेट फ्लेयर ने सीधे सीधे WWE से मांग रखी है। अब आप बोलेंगे इसमें ट्रिश का क्या रिलेशन, तो लेटेस्ट सोर्सेस की माने, स्पॉयलर्स की माने, वाइज ट्रिश स्टेटस जो है वो कनाडा टोरंटो की रहने वाली है और समर स्लैम भी उसी सिटी में होने जा रहा है। दूसरा रीजन है दोस्तों, शार्लेट फ्लेयर का ट्विटर के ऊपर खुद को क्वींस ऑफ ऑल एरा बताना। तो आप जानते हैं ऑल एरा एक ऐसा शब्द है जिसमें सारे साल सारे दशक आ जाते हैं, और अगर आप सोचते हैं किसी महिला के बारे में, किसी वन ऑफ द बेस्ट महिला के बारे में, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम महिला के बारे में, तो वो ट्रिश ही है। आर्ग्यूबली दोस्तों, ट्रिश को ही माना जाता है कि वो हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट रही है, और उसके बाद बाकी की रेसलर्स आती है। शार्लेट फ्लेयर शायद से नंबर दो या नंबर तीन पे रह सकती है, लेकिन अगर आप नंबर वन की बात करेंगे तो मैं भी ट्रिश का ही नाम लूंगा। तो यहां दोस्तों, ट्रिश वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के ऊपर विचार किया जा रहा है। इस मैच के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप रख के चल सकते हैं ये मैच बन के ही रहेगा और काफी मजा आएगा इस मैच को देखने में। जो जीतेगा वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन जाएगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की। तो गाइस, दूसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है डेव बटिस्ता से। तो बटिस्ता ने दोस्तों हाल ही में एक ऐसी बात कह दी है जो कि काफी कंट्रोवर्शियल होने के साथ साथ फनी भी है। तो हाल ही में दोस्तों, डेव बटिस्ता ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है धमकी। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मैंने अभी से थोड़े दिन पहले, यानी कि लगभग एक महीना पहले, एक अपडेट लाकर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को WWE इनवाइट कर रही है स्मैकडाउन लाइव में, जो कि फॉक्स नेटवर्क पर जाने के बाद होगी। वहां दोस्तों इसलिए इनवाइट किया जा रहा है ताकि रेटिंग्स को बढ़ाया जाए। आप सभी जानते हैं, अगर प्रेसिडेंट किसी शो वगैरह में आते हैं तो ऑब्वियसली लोग ट्यून इन करते हैं उस चैनल को। तो ऐसे में दोस्तों, बटिस्ता ने इसी बीच दे दिया एक बड़ा बयान, और ये बयान था कि वो पावर बम मारना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इंटरव्यू रहा स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का, जहां सवाल था कि WWE से बाहर अगर किसी को मारना हो तो किसे मारेंगे, तो वो बोले कि मैं पावर बम मारूंगा डोनाल्ड ट्रंप को। एज यू नो, उनकी नीतियों से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, और शायद दोस्तों बटिस्ता उनके एक हेटर है। तो ऐसे में दोस्तों, बटिस्ता लगाना चाहते हैं उन्हें पावर बम्ब, और देखने को मिलता है दोस्तों तो वो तो ड्रीम ही होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को कौन मार सकता है। अगर वो आते भी है स्मैकडाउन लाइव में तो उन्हें कोई हाथ वहां नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। वेल दोस्तों, हम अपने परिंदे उड़ाते रहते हैं सपनों के, लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस, वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस ने दोस्तों परिंदे नहीं उड़ाए, रोमन रेंस ने डाली एक मोटिवेशनल वीडियो। तो रोमन रेंस आज से कुछ समय पहले कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन अब वो एक स्वस्थ इंसान है। तो इसी से रिलेटेड ट्विटर पर उन्होंने बीते कल वीडियो डाली, और उस वीडियो की कुछ झलकियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां दोस्तों, रोमन रेंस क्या कहते हैं, शुरुआत में रोमन रेंस कहते हैं कि मैं जिंदगी हमेशा ताकत के साथ जीता था, लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती है। मुझे कैंसर हुआ और मैं कैंसर से लड़ा, अब मैं वापस आ चुका हूं, और मैं जानता हूं कि आप मुझ में विश्वास रखते हैं और मुझसे आपको प्रेरणा मिलती है, और इसी तरीके से मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा और आपको स्ट्रांग बनना है। और यहां दोस्तों उन्होंने नारा दिया, वो था बिग डॉग स्ट्रांग का, यानी कि मेरी तरह आपको स्ट्रांग बनना है। तो गाइस, रोमन रेंस की तरह स्ट्रांग बनिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इंतजार कीजिए, क्योंकि समथिंग ह्यूज इज कमिंग। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।